11 जुलाई को रात करीब 11:30 बजे यमुना नदी में अचानक पानी का जलस्तर काफी बढ़ जाने पर यमुना नदी के आसपास बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इसी दौरान थाना सोनिया विहार के इलाके में 5 लोगों की बाढ़ में फंसे होने की सूचना मिली। थाना अध्यक्ष सोनिया विहार स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपनी पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे, कार्रवाई में जुट गए। उन्होंने पूछताछ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर चौहान पट्टी में फंसे हुए 5 लोगों को पाया। सोचिए, रात का समय, चारों तरफ घना अंधेरा और बाढ़ की स्थिति में उन लोगों की लोकेशन को ट्रेस करना तकरीबन नामुमकिन। इस जगह पर यमुना का पाट किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। अंधेरे में गहरे पानी के बीच सर्च लाइट्स के बीच दिल्ली पुलिस ने किया सर्च ऑपरेशन। बाहर निकलने का प्रयास करते समय वे एक ट्रैक्टर ट्रॉली में फंसे हुए पाए गए, लेकिन पानी का स्तर अचानक बढ़ने से वे गहरे पानी में फंस गए। तुरंत ही थानाध्यक्ष सोनिया विहार ने एक निजी नाव की व्यवस्था की। बचाव के इस काम में जो पुलिस स्टाफ शामिल हुआ उसमें है पुलिस स्टेशन सोनिया विहार के SHO इंस्पेक्टर संजय प्रकाश, ASI देवेंदर, विनोद, हेड कॉन्स्टेबल पंकज, रंजीत और बोट ऑपरेटर रविशंकर। इन लोगों की वजह से 5 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। इनमें 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 1 कुत्ता भी था। सोनिया विहार की पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए और स्वयं से पहले सेवा को अपनाते हुए इन 5 लोगों को और 1 बेजुबान जानवर को बचा लिया और पेश की मानवता की मिसाल। ये था वर्दी का नंदा की आवाज़ में आज का किस्सा खाकी का।